राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं नहीं चाहती कि एक हिंदू राष्ट्र बने। चलिए, आप ये कहना चाहते हैं ना कि सही सब हिंदू चाहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आप मजहब के बेसिस पे है ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जब से आप आए हैं तब से यही कर रहे हैं। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट अगर अपना जो वजन है वो दिखाएगा तो ये बिल, ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा। और अगर नहीं किया जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से सिविल वॉर की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं। हमारी नागरिकता छीनी जाएगी, हमें देश से बाहर निकाला जाएगा, हम इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं है। कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब यहाँ पे भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। हम बिल्कुल अमन पसंद लोग हैं, हम नहीं चाहते बिल्कुल भी हिंदुस्तान में कुछ इस तरह की गतिविधियाँ हो। और ये तो इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है कि कोई किसी के देश में भी जाए, किसी के देश में भी आए। अब हिंदुस्तानी भी कितने बाहर रहते हैं, बाहर मुल्कों में रहते हैं, उनके मुल्कों में अगर NRC लागू कर दी जाए तो उनको वापस भेज दिया जाएगा। ये बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ बिल है, हिंदुस्तान के खिलाफ बिल है, हर कम्युनिटी के खिलाफ बिल है ये। ये धमकाइए मत, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि हम यहाँ आज क्यों खड़े हैं, हमें पता है कि हमारे दोस्त कितने परेशान हैं वहाँ, हमें पता है हमारे दोस्त इधर कितने परेशान हैं। आप मजबूर मत करिए, हम अपना हक छीनना जानते हैं और हम छीन लेंगे। प्रोटेस्ट बहुत हो रहे हैं, कैंपसों में हो रहे हैं, यहाँ हो रहे हैं, सड़कों पे हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, दिखाने वाले नहीं है ये बात है। मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस अपने घरों में बैठे हुए हैं, वो वही निक्की दुक्की जो चार न्यूज चलाते हैं जो उनके फायदे की है, जिनसे उन्हें एड मिलता रहता है वो वही चलाते हैं। मेन स्ट्रीम न्यूज यहाँ आपको कौन दिखी आप बताइए मुझे, जो यहाँ एक्चुअली में 9 PM की जो 9 PM की बुलेटिन होती है उसमें वो चलाए कि यहाँ लोग कितने परेशान है। मेरी आवाज आपको वहां नहीं सुनाई देगी, छोटे छोटे सारे चैनलों पे आपको आवाज सुनाई देगी यहाँ हर एक इंसान की, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी क्या परेशानी है। बड़े बड़े चैनलों को कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके पास आ रहा है मीडिया बिक चुकी है। बिल्कुल सही कहा, हिंदू आपको क्यों बांटना है किसी को, किसी के मजहब के ऊपर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप क्यों मजहब का नाम ले रहे हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से चलिए एक सेकंड के लिए आप जाते तो मुझे समझ में आता, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हो गए तो हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे, फिर समझ आ जाता कुछ। आपने पूरे चार, उन्होंने आपने पांच बता दिए कि ये आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते, क्यों करा है आपने ऐसा? अगर आप सच में इतने लीगल टर्म्स के ऊपर चल रहे हैं और आपको सच में रूल्स और रेगुलेशंस की बात है तो आपने क्यों जबरदस्ती में ये क्लॉज ऐड किया है? आप सच में रूल्स से चलिए ना कि आपके पास अगर ये डॉक्यूमेंट हुआ, यहाँ से लेके ये हुआ, पासपोर्ट, ये वो जो भी आपको चाहिए आप लिस्ट बनाइए। लेकिन आप सडनली कह रहे हैं कि नहीं, एक गुट तो अप्लाई नहीं कर सकता, बाकी चलो देख लेंगे। और आप, मैं आपको बता रही हूँ, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये सरकार, मैं दोबारा कह रही हूँ, ये 19% लोगों की है जो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, इन्हें कोई मतलब नहीं है। कोई आता है क्या सुनने आ रहे हैं यहाँ? कोई एक भी बोलने आया, बताने आया, पूछने आया आप क्यों बोल रहे हैं, क्या परेशानी है, हमसे बात करिए? कोई नहीं आया। वहाँ जाके सब चंगासी जाके बिल्कुल ज़रूर कह देंगे, लेकिन जब यहाँ अपने नागरिकों की बात सुनने की बात होगी तो कोई नहीं आता है। और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, हम आपके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी तो सुन नहीं रहे, किसके लिए हो रहा है फिर ये सब? हम तो चाहते नहीं है। तो कौन से ऐसे नागरिक हैं जो चाहते हैं, जिनके लिए आप करने में लगे पड़े हैं और उन्हें दिख ही नहीं पा रहा, उनके दिमाग में चल क्या रहा है? ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मैं हिंदू हूँ,
मैं नहीं चाहती कि एक हिंदू राष्ट्र बने। चलिए, आप ये कहना चाहते हैं ना कि सही सब हिंदू चाहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आप मजहब के बेसिस पे है ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जब से आप आए हैं तब से यही कर रहे हैं। और आप मजहब छोड़िए, आप लोअर कास्ट के साथ भी यही कर रहे हैं। चाहे आप जो मर्जी कहते रहे, चाहे आप जितना ही बोलते रहे कि ऐसा नहीं है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि आपने जबरदस्ती की लड़ाई छेड़ दी है। जबरदस्ती की लड़ाई है नहीं है, आपने जबरदस्ती बनाया है उसे। जानबूझ के आप ये डिवीजन करने में लगे पड़े हैं, और जो हम करने नहीं देंगे। आप करते रहिए ट्राई, लेकिन ये होगा नहीं। ये मेन मुद्दे से भड़काने वाली बात है, सेकुलर नहीं है। जिस तरीके से मेरी छोटी बहन ने बताया, वो अकेली आई है और मजहब को दीवारें तोड़ के आई है। वो इसलिए आई है कि हिंदुस्तान का जो आईन है वो खतरे में है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो पूर्व राष्ट्रपति हमारे, उनके बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं, ये छोटे और गरीब आदमी कैसे कर पाएंगे। और मैं कहना चाहूंगा, जो लोग जंगलात में रहते हैं, जो आदिवासी हैं, जो यतीम हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अनपढ़ हैं, वो कहाँ से लेकर आएंगे। मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर आपने देखा कि आग लग जाती है, उनके डॉक्यूमेंट कहाँ से आएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि इन लोगों को है सीएबी बिल जो है वो वापस लेना चाहिए, ताकि सभी लोग जो परेशान हो उनकी परेशानी को दूर हो। पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सेकुलर स्टेट है ये। चाहे केशवानंद भारती का केस ले लीजिए या तमाम केस देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये केस ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट अगर अपना जो वजन है वो दिखाएगा, तो ये बिल, ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा। और अगर नहीं किया जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये एक तरह से सिविल वॉर की तरफ इस देश को ले जा रहे हैं, जहाँ पे कई तरह के ग्रुप्स में आपस में क्लैश कराएंगे और एक बड़ा एक रक्तपात चलेगा। और आप मिडिल ईस्ट बनाना चाहते हैं इस देश को, आप तमाम जगहों पर देख लीजिए, जो जो एक रिलीजन के नाम पे बने हुए देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे मिडिल ईस्ट की कंट्री, कोई भी देख लीजिए उनकी स्थिति क्या है। ईरान पहले क्या हुआ करता था, आज क्या है। अफगानिस्तान पहले क्या हुआ करता था, मॉडर्न स्टेट मतलब जो भी था वहाँ पे, आज क्या स्थिति। तो ये एक बहुत ही पिछड़े एक एक एक, एक मॉडल को लागू करना चाहते हैं, जहाँ पे कुछ चंद लोगों का कब्जा हो। मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। वतन किसी एक कौम के लिए नहीं है, इस वतन में